तुम्हें यूट्यूब चैनल ले, ये जूते साफ कर दे। सबसे पहले फालतू काम नहीं करना, मैं ये अपने जूते साफ करूंगा। जो पास है मेरा यार, मैं नहीं कर रही भाई, तुम ऐसे फालतू। मैं अरे नहीं पहने, दूसरे वाले कर दे। हां तो वो नए वाले कर दिए ना, वो वाले पहनो। नहीं वाले नहीं पहनो, नहीं मैं नहीं पहनूंगी। ये क्या तरीका है? साफ कर दे। हां 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 पास कर दे मेरे पास है आज। आज के दिन तो मेरे को साथ दे ले। अरे ले यार फटाफट ले, साफ कर दे। नहीं नहीं ये कर दे, ले साफ कर दे। नहीं नहीं मेरे को बहुत काम है घर में, मैं महावर लगा रही, मेरी अभी नहीं कर रही। मैं पहले कर दे यार। मैं नहीं कर रही यार, साफ करके दे मेरे को। मैं तो ये क्या तरीका हुआ है? मैं बात कर रही हूं, मैं रेडी कर दे बोले। ले मैं क्यों रेडी करूं? साफ कर दे। तुम बच्चे हो क्या? कर दे बोले। नहीं मैं फालतू काम नहीं कर रही हूं। फिर वीडियो वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। हां मत बना, मैं भी पूजा मेरा उपवास है और तुमने मुझे साड़ी भी नहीं दी ऊपर से। मैं महावर लगा रही हूं और मैं जा रही हूं रेडी होके तैयार होने के लिए। पहले जूते साफ कर दे मेरे को। गीला कपड़ा लाओ, फिर भैया जूते साफ कर। मैं तो कोई नहीं कर रही। जल्दी कर दे यार, तैयार होने मेरे को। घड़ी दे दो मेरी यार। एक तो कल साड़ी नहीं दिलाई और अब इतरा रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्यों फीस है? घड़ी का रखी मेरी यार। घड़ी वो वहाँ रखी हुई है, मैं नहीं दे रही हूँ। ये लगा रही महावर और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। साड़ी चेंज करके मैं नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ऐसे ही करते हैं, जब देखो जब जूते साफ कर दे। सुबह से लगी हुई हूँ 5 बजे से उठ के मैं, तो इनको देखो आके सिर्फ जूते साफ कर दे। नौकरानी समझ रखी मुझे तो बिल्कुल नहीं। मैं ना जूते साफ कर दे बोले। हाँ मैं नहीं कर रही, जूते साफ कर दे। साड़ी लेके आता ना मेरी। हाँ साड़ी नहीं दिलाई मेरे, ऊपर से जूते साफ करवा रहे हो। यही पटकने का बोल दो, ऐसे सामान बस पटक दो। हाँ सामान पटकने का बोल दो। तुमने आके जैसे दिया मैंने वैसे रख दिया, बाकी घर में काम क्यों पड़ते हैं मेरे को? मैं ही सारे काम करती हूँ, आप कौन से काम करते हो? तू ही तो करती सारा काम। और इधर चाय किसने पी? वहाँ कप भी फोड़ दिया। तू ही तो करती सारे काम। हाँ तो क्या तुम करते हो सारे काम? चाय पापा ने चाय का कप फोड़ा ना, देख लो। घर में बैठे बैठे कुछ काम ही नहीं होता इनके लिए, तो कल से बच्चों को तुम तैयार करना। नहीं मैं नहीं कर रही जूते साफ कर। अब तो मैं कर ही नहीं रही, मैं कर ही नहीं रही, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरे कपड़े कितनी देर लगेंगे प्रेस होने में? प्रेस करके छोड़ा ना कहीं इनको ले जाके। पूजा पाठ करनी है आज मुझे और यहाँ लड़ाई करने में लगे हुए। जितनी शेफ की टी जिसके साफ कर दे, जूते ना हो गए सारे जूते करने ना, गाड़ी में डाल दूंगी अभी सीधे के सीधे कचरे की। बना वीडियो पर बता दूंगा तुम्हें। मैं तो बनाऊंगी वीडियो, क्या बताओगे तुम मुझे? जूते ना कचरे डब्बे में डाल के आ जाऊंगी बिल्कुल। मैं आए बड़े दर से जूते साफ करवा रहे हैं। What happened sir? अरे कुछ भी नहीं यार, काम धंधे पे से आऊं सीधे। बोले वीडियो बनाना है भैया, आगे वीडियो बनाना है। मैंने बोला चला रही हूँ, दिमाग खराब कर दिया। अच्छे बोले हाँ अच्छे भले में ऐसे जूते साफ करवा रहे हो? हाँ, अच्छे भले में। हाँ तुम्हारे जूते भी साफ करो यहाँ पे। ये ड्रामे चलते रहते जब देखो जब। लाओ कोई नहीं, भैया बोले अच्छे कट कर। खराब करते रहते इनसे जूते साफ करवा लो इनके। रोज एक दो दिन हो गए कीचड़ है अभी। ऐसा नहीं की ऐसे जूते नहीं पहने की जाओ कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। रोज इनके जूते धोने पड़ते हैं एक दो दिन छोड़ के। पहनने का शौक रखते हैं, बस साफ नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि मैं हाँ साफ करूं। ये काम करते रहो, इनके जूते साफ करो, इनके कपड़े दो और बोलो तो बुरा लगने लग जाता जरा से। मैं फेंकूं किसी दिन कचरे गाड़ी में सारे सारे जूते ज्यादा नहीं बोलो है ना, कुछ बोल नहीं रही हूँ मैं। जब देखो जब वहां तक पहुंच जाते हो है ना, जब भी साफ कर रहे ये लो। मैं दे रही अब घर गंदा करा ना, पोछा लगाऊंगी आपसे ही। अरे यार वो मेरी बात सुन, सबसे पहले मेरी जेब के अंदर पैसे वगैरह थोड़ी गीले कर दिए। क्यों नहीं दिए निकाल के मुझे? देख जल्दी देख, मैंने जेब के अंदर पैसे पूरे गीले कर दिए, सीधे कपड़े पटक दिए वॉशिंग मशीन में। जल्दी देख मेरे पैसे कहीं भूल गया मैं, गीले हो गए सारे पैसे। अरे देख यार फल जाएंगे वो तो मेरे बोला था। अरे निकाल के ला के दे पहले। वाह कपड़े खुद ने पटक दिए। हां अभी लगाया मैंने 5-10 मिनट पहले।
लगा फोन, बोला भैया से बात करो, पेमेंट लेके आए कि नहीं आए? बोले नहीं आए ना। जब लगा फोन मेरी बात करा, बोला पेमेंट लेके आया? बोला हो तो गया। बोलना भैया डाल दिए मैंने। हेलो नीलेश भैया, विकास बात कर रहे हो? पेमेंट आ गया? क्या हुआ फिर? तो ये तो 8,10,000 का चेक क्लियर हो गया उनका। 8,10,000 का चेक क्लियर हो गया। तो उससे अपना क्या लेना देना है? और ये 3,00,000 का भी कितनी चेक क्लीयरेंस में चला गया है? 3 ही तो बचे हैं खाली, बस बाकी तो पूरा पेमेंट उसके बाद। नहीं, 3,00,000 का भी क्लीयरेंस में चला गया। चला गया क्लीयरेंस में, चलो मान रहे हैं, पर बाकी तो पूरा पेमेंट तो पहुंच ही गया ना। उससे बात करो, कितना पेमेंट दे रही है उससे पूछो। अभी आ जाओ घर पे, आ जाओ घर पे, आ जाओ। बोल रही है अभी 30,000-40,000 रुपए ले जाओ, बाकी कर लेंगे। बोल रहे लेके फ्री हो जाना, बोलना ले लेते लेते रहना फिर लेके फ्री हो जाना। ये चिल्लर क्यों पटक दिया? जी जी उठाओ, मेरी है, हटा ले यहाँ से। अच्छा वाला मूड ना मेरा। हाँ तुम्हारा मूड तो हमेशा ही अच्छा रहता है, सारा मूड तो मेरे ही खराब रहता है घर में। हर दिन तो वेली बैठी रहती हूँ ना मैं, उनका मूड खराब। हाँ मेरे पास तो बहुत सारा काम रहता है ना, सारा दिन तो ऐसे ही रहती हूँ मैं। देखा ना कितना काम रहता है। क्यों काम तो रहते ही नहीं है? तुमने तो सुबह से उठ के झाड़ू बर्तन पोछा, बच्चों के लिए टिफिन बनाया, नहीं बचा कर लेके झाड़ू पोछा कर लिया। अच्छा फिर क्यों बोलते हो कि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं रहता? मम्मी हाँ ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं मेरे, समझा ले अपने पापा को, गुस्सा नहीं आना चाहिए मेरे बिल्कुल भी। लोगों को बुलाया था कहाँ गया? अर्जुन बाबू लव को बुलाओ, लव का अरे तिवारी को फोन लगा वाला मोबाइल निकाल। बाहर के लोग गुस्सा देख लेते भैया मेरे निकाल रहे हैं, लोग पैसे इनको नहीं देते हैं और गुस्सा मेरे पे सारा निकालते हैं, सारा मेरी वजह से ही होता है। घर से ही स्टार्ट होता है, जरूर होता है मेरा घर से। घर से जब आदमी अच्छे मूड से निकलता है ना तो फिर अच्छा। हां 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 घर से चिड़चिड़ा करता है, आदमी चिड़चिड़ाता है। वही तो सारा तो घर से ही होता है ना। बंद करो, समझा ले अपने पापा को। क्या है ना नहीं आ रही है कहां पे? स्केटिंग चला रही है। गर्मी हो रही बाहर, समझ आ रही है? देख लो शर्म नाम की तो चीज है ही नहीं बिल्कुल भी, इनके लिए उपवास रखो। ले देखो कैसे खा रहे हैं। क्या है मेरा बिना उपवास के रहती हूँ जब तो तुम्हें लिए नाश्ता नहीं लेके आता कभी, और अभी देखो तो समोसा और ये सब उठा के लिए आया। मेरे लिए तो रखा तुम उपवास। देखो इनके लिए नहीं रखा, 13 साल की उम्र से रख रही हूँ उपवास तुम्हारे लिए, जब मैं तुमको जानती भी नहीं थी तब से रख रही हूँ। शुक्र मनाओ मेरा कि मैं उपवास रख रही हूँ। क्यों मैं क्यों शुक्र मनाऊ तुम्हारा? तुम्हें भी शुक्र मनाऊ जी की खुद क्यों नहीं मानती?
मनाते ये सुखर? मैं सारे सुखर मना लू है तो उपास करके दिखा रही है, सुखर मना है। मैं तो ना दिखा रही हूँ वो उपास में तो मैं लंबी उम्र के लिए कर रही हूँ, बाकी माल मोल से तो मेरे घर पर मैं ही बना दूंगा। नहीं नहीं धूल चढ़ जाएगी अगर मैं मारूंगा तो। हाँ चटा के दिखाओ तुम धूल मुझे। मक्खन खा दे आप बिना पीने। क्यों क्यों खाओगे ए मेरा उपास से तुम मेरे सामने बैठ के खा रहे हो, सर में आ रही जरा सी भी। मैंने बोला था उपास करने का। अब तो मैं छोड़ता नहीं ना। मैंने बोला था कि उपास करना। छोड़ ही नहीं सकती ना, ये उपास नहीं छोड़ता। तुमने भले ही नहीं बोला था तो तुम बोलोगे भी कहाँ से, मैं तो 13 साल की उम्र से उपास रख रही हूँ। मैंने कोई आजकल थोड़ी ना लिया है। तुम ऐसा क्यों बोलो मेरे लिए रख रही? वो तो अच्छा वर मांगने के लिए उपास रखते, अच्छा वर मिल गया, अब अच्छे वर की लंबी उम्र के लिए कर रही हूँ, छोड़ नहीं सकते। तो अच्छा वर मांगने मेरे को जानवर मिल गया। मैं जानवर हूँ है तो मैं जानवर बिकती हूँ मैं। नित्या देख ले जानवर बोल रहा है। मम्मा जानवर दिखते हैं क्या? हाँ जी। तो ऐसा बोलते हैं मेरे को। अब समझा ले अपने पापा को। हाँ जी। कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में मेरी। हाँ अभी चले जाओ। पापा बोले तो पापा को बोल दिया करो। क्या पापा को बना दिया करो? क्या बना दूं? गड़ा 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 बना ले पापा को। तो बेटा अभी तक मेरे ऊपर गुस्सा फूट रहा था, कहीं तेरे ऊपर ना फूट जाए तेरे पापा का गुस्सा। रहने दे कुछ नहीं बोल रहा, अपने क्या करना है इनसे, मतलब ही नहीं रखो। लड़ाई कर रहे ना अभी, रुक जा दादी को फोन लगाऊंगी रुक, मैं फिर बताती हूँ इन्हें। ले दादी को फोन जब सुना दे अच्छे से दादी की उपास वाले रोज मेरे से जूते साफ करवा रहे हैं। मेरी कोई इज्जत ही नहीं इस घर में, ऊपर वाले जूते साफ कर ले तो और ऊपर वाला खुश हो जाएगा कि देखो उपास वाले रोज जूते साफ करे। जूते साफ कहाँ कहाँ से तुम घूम फिर के आते हो, तुम्हारे जूते साफ करूं मैं? अभी फिर मुझे नहाना पड़ेगा पूजा करने से पहले, अभी तैयार होंगी पूजा करने जाऊंगी तो मुझे नहाना ही पड़ेगा। जरा उठ लो नहा लो। हाँ ये तो बाप दादा है बिल्कुल अपने आ रखे हैं, ये इनको चाय भी चाहिए, इनको पानी भी हाथ में चाहिए। चाय बना कर दो। मन ला रही ताइला, मैं चाय पीऊंगी नहीं, मैं बनाऊंगी नहीं, बात खत्म। आज मेरे पास से मैं तो चाय ऐसे ही नहीं पीती, तो मैं क्यों ला के दूं? मैं ला रही चाय। लाइट वो भी जाना। हाँ लाइट तो ऐसी लगवा लो घर में, उसकी औकात नहीं मेरी ऐसी लाए पंखे में ली हूँ। हाँ तो कली कूलर कचरे वाले को बेचती हूँ मैं, अटाले वाले को। फिर अगली गर्मी में तुम बोलो और टीवी कब तक आएगी? आज तो हो गया उसको टीवी लाए। हाँ आ जाएगी जब हमारी। अरे तो बच्चे परेशान हो रहे हैं ना, तुम तो अपने मोबाइल में गेम खेलते रहते हो, हम लोग बोर हो जाते हैं दिन भर, तो सारा दिन मार्केट में रहते हैं। सबके पास मोबाइल है, बच्चों के पास भी, वो भी गेम खेल रहा है। कोई तो अंदर पड़ा हुआ, जा तू भी जा। तो टीवी की बात अलग रहती ना, उसमें थोड़े से नागिन नाटक नहीं देख पा रहा ना। नागिन नागिन तो मैं मोबाइल में भी देख लेती हूँ, वो मूवियां नहीं देख पा रही ना साउथ की, उसमें अच्छा थोड़े से छोटा सा मोबाइल, मेरी 55 इंच की टीवी। हाँ लिया है चाय बना के लिया, चाय बना के लिया। ऐसे वो तो चाय ले ही आएगा बना के, बनाने तो मेरे ही है। ऐसे बात करते हैं, जा रही हूँ मैं, खून मत चूसो मेरा बैठे बैठे यहाँ पे। फोन मेरा चूस लिया ना, बोला फोन मेरी किस्मत अच्छी लगा रहे हो मेरे उपाय से। अच्छा हो किस्मत तुम्हारी अच्छी है, मेरा उपाय से वरना चाय बना दे बस। चाय 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 सारा दिन चाय चाहिए इनको। एक तो ये घर में सारा दिन काम करते रहो, 10 बार चाय चाहिए, और रहे से जहाँ कप रखते हैं वहीं छोड़ देते हैं और फिर फूट जाते हैं कप।
फुटे हुए कप में चाय पिलाऊंगी, फिर भी नए कप नहीं देता। तू खुले ना फुटे कप में, दिमाग में खराब करवा सीख ला दिया। अभी अच्छे वाले मूड में बैठा हूं मैं, अपने आप को शांत करके। मैं नहीं ला रही हां, तो फुटे कप में ही लाऊंगी। मुंह पे फेंक दूंगा गरम गरम चाय, ला के दिखा। ला ला के दिखा तुम्हें, बता दूं। मुझे चुपचाप ही बैठी थी, शेर को तुमने छोड़ा। ये लो तेरे लिए भी चाय बना दी मैंने, शुक्र बना मेरा। नित्य मत करो बेटा, जा अंदर दिया को जा। लो कोई नहीं, मुझे दो। ये खून पीना गई मक्खी, देखो खून नहीं है वो, कोई खून पीने आ गई मक्खी। देख ले बताते हैं तेरे चीज को। चाय तो डंकी बना देती कम से कम। हाँ इतने गुस्से में तो डंकी चाय बनेगी मेरे से बिल्कुल। हाँ हाँ काम बोले तो मुझे नहीं होगा, सारे काम तो कर लेती हूँ, चाय नहीं बनानी आती बस मुझे। बहुत अच्छी चाय बनेगी, चाय बनाई तो सही अच्छी। ये देखो दुपट्टा कैसा है मेरा, देखो। अच्छा सही से बोलो। ओ ठीक है, सही से बोलो। सही से ठीक है, अच्छे से बोलो कि अच्छा लग रहा है, इसकी एंट्री अच्छी लग रही है, ये ऐसा लग रहा है, ऐसे बोलो। रख ले यार मंडी में, खा मेरा यार। साड़ी तो दिलाई नहीं और उसमें भी नखरे कर रहे हैं, बोलो साड़ी लेके आ रहा है ना, साड़ी तो लेके नहीं आए। ला मैं साड़ियाँ ला, दिखा दू कौन सी पहननी है। बोले नहीं ये कलर पहन लिया ये अच्छा नहीं लग रहा था, वो कलर पहन लिया वो अच्छा लग रहा। बताओ कौन सी पहनू, कलर बताओ। दो साड़ियाँ, दोनों में से कौन सी जो अच्छा वो पहन ले। नहीं तुम ही बताओगे तो ही पहनूंगी। हाँ तो मत पहन ये साड़ी, पूजा करने जाऊंगी ऐसी साड़ी में, इसी साड़ी में बैठ के पूजा नहीं करते। मन साफ होना वो जरूर नहीं कि इस साड़ी में नहीं करते। तो सारे अभी मेरे को मंदिर जाना है तो मैं धोती बांधूंगा, कुर्ता पहनूंगा, फिर पूजा। मैं तो जीन्स शर्ट में भी चले जाऊंगा, टी शर्ट में भी चले जाऊंगा, करीब। हाँ तो जीन्स शर्ट और टी शर्ट की अलग बात होती है, अलग बात होती है। चट्टे में चले जाऊंगा, अच्छे में चले जाऊंगा। तुम बोलो भाई, चट्टे में चले, चट्टे में जाएंगे। प्रकाश बाबू करेगा इनका, पता ही नहीं रहते ये बाहर क्यों पड़े। अरे बहुत बढ़िया काम काज यार प्रकाश बाबू, बहुत बढ़िया यार। लेट लतीफ है और क्या, ये बुलाओ एक घंटे पहले, आते आधे घंटे बाद। तुम्हारी कसम ना ऐसा, मतलब तुम क्या बोलो, तुम्हें कुछ भी काम बोलो तुम्हारा ढीले काम है सर। कभी कोई सा काम ढंग से करो, को टाइम टेबल पे कर दो यार। ये पेन अब बेड़िया खड़े के होगा क्या है, बेड़िया आके कोई काम तो ढंग से कर दे करो टाइम टेबल। ये पेन ये अच्छी लग रही, देखो इसके साथ ना ये दुपट्टे के साथ ही अच्छी लगेगी। बाहर गए मच्छर भी काट लिया सिर पे यार। अब बोलो ना कि मच्छर भी मेरी वजह से काटा, मेरा कोई दोस्त होगा झाड़ू पोछा यहाँ पे साफ सफाई कर लेती तो मच्छर नहीं होते घर में। हाँ, सुबह से तो झाड़ू पोछा लगाई थी मैं, लगा लिया तुमने झाड़ू पोछा, आके गंदगी कर दी तुम लोगों ने। मैं अकेली थी जब तक, एक इतना सा कुछ नहीं था। तो कैसा लगा हम लोगों का ब्लॉग एंड में बताइएगा। तो ये प्रकाश भाई जो है ये मेरा बहुत अच्छे भाई है, ये प्रकाश भाई मेरे बहुत अच्छे भाई। और पीछे जो खड़े हैं ना मेरे एक और अमित भाई खड़ा है, अमित कुशवाहा नाम है इनका। और ये जो बैठा है मेरा छोटा भाई अर्जुन है, इधर जो बैठा है व्हाइट ड्रेस में छोटा भाई अर्जुन है, और इधर जो खड़ा है छोटा भाई अमित है। और लव को जो आप जानते ही हो, और मेरे को भी आप जानती हो, मेरी एक्टिंग कैसी लगी ये जरूर बताना, कमेंट्स में बताना कि ये व्लॉग कैसा लगा और हम लोगों का ये जो एक्ट था कैसा लगा, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करने के लिए बोलिएगा। और एक खास चीज बताना आप लोगों को, भूल गया मैं, जो ये शूट कर रहा है इनका नाम है संदीप भाई, ये हर्षल फोटोग्राफी से इनका इंस्टाग्राम पे भी चैनल है और यूट्यूब पे भी इनका चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी इनकी आईडी है।
तो हर्षल फोटोग्राफी के नाम से इनका चैनल है जो मैं मेंशन करूंगा, तो आप इनको भी जाके फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब भी करें और इनको भी सपोर्ट करें। और इनसे अगर आप रील्स बनाना चाहते हो या व्लॉगिंग कराना चाहते हो या जो भी आपको कैमरे के पर्पज से, जो भी वीडियो शूट के पर्पज से या फोटो शूट के हिसाब से जो भी आप लोगों को लगता है, तो संदीप भाई का कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करूंगा, आप जाके इनसे संपर्क कीजिएगा। जब तक के लिए सब लोगों से बाय बाय, धन्यवाद।